तो आज जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे और एल्डिहाइड एंड कीटोन तो पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। यानी अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर ये COOH ग्रुप और ये ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, किसको कहेंगे? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। यानी कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। और अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप है क्या? कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप इसी को बोलते हैं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल मिला करके इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, है ना। इसमें क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का? कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। क्या हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप किसको बोलते हैं? दिस कार्बोनिल ग्रुप, दिस कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। एंड व्हेन अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बोक्सिल ग्रुप दैट कंपाउंड इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब बात यह है कि कार्बोक्सिल ग्रुप है तब तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब ये कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये एलिफेटिक हुआ, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एरोमेटिक हुआ। एलिफैटिक कब होगा? अल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बोक्सिल ग्रुप, अटैच टू कार्बोक्सिल ग्रुप। एंड हियर अराइल ग्रुप अटैच टू कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर एराइल ग्रुप अटैच है कार्बोक्सिल ग्रुप से तो हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एराइल ग्रुप से अल्काइल ग्रुप अटैच है तब हो गया वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो दो तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, है ना। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो तरह का जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? फैटी एसिड मिलता है। क्यों फैटी एसिड बोलते हैं? क्योंकि नेचुरल फैट में मिलता है ना। कुछ सम कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज फैटी एसिड, है ना। पर्टिकुलरली द कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज कंटेनिंग 12 कार्बन टू 17 कार्बन। पर्टिकुलरली द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन 12 कार्बन टू 17 कार्बन आर नोन एज फैटी एसिड। सो सम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज फैटी एसिड। व्हाई इट इज नोन एज फैटी एसिड? बिकॉज इट इज अवेलेबल
इन अ नेचुरल फैट्स, बिकॉज दिस फैटी एसिड इज अवेलेबल इन अ नेचुरल फैट एज ईस्टर, एज ईस्टर, ईस्टर के रूप में नेचुरल फैट में जो है फैटी एसिड अवेलेबल होता है. कार्बन 12 से लेकर के कार से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कार्बन 12 टू 17 अवेलेबल है किसमें, नेचुरल फैट में अवेलेबल है. किस रूप में, ईस्टर के रूप में. किस चीज का ईस्टर, ग्लिसरॉल के ईस्टर के रूप में. ग्लिसरॉल के ईस्टर के रूप में ये फैटी एसिड अवेलेबल है. फैटी एसिड क्यों कहा गया कार्बन 12 टू 17, क्योंकि कार्बन 12 से मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 12 कार्बन से लेकर के 17 कार्बन है, ये सारे नेचुरल फैट्स में अवेलेबल है ईस्टर के रूप में. और किस चीज़ का ईस्टर के रूप में, ग्लिसरॉल के ईस्टर के रूप में. इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 12 कार्बन है से लेकर के 17 कार्बन तक है, ये सारे को हम लोग एक अलग ग्रुप बनाया गया है, उसका नाम है फैटी एसिड, क्योंकि ये नेचुरल फैट में ईस्टर के रूप में मिलता है. तो ये एक स्पेशल ग्रुप है जिसको दिमाग में रखना है, ये दैट इज नॉन एज फैटी एसिड, है ना. नेचुरल कंपाउंड है, ठीक है, ये जो है नेचुरल फैट्स में मिलता है, इसलिए नेम दिया गया है फैटी एसिड. क्लियर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड समझ गए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नोमेनक्लेचर. तो जो सबसे सिंपल सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड. ये सबसे सिंपल है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ये कॉमन नेम है. ये इसका ये क्या है, कॉमन नेम है. तो हम लोग कॉमन नेम से आगे बढ़ेंगे. इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा, क्योंकि इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो मीथेन हो गया, और इसमें ऑइक जोड़ देंगे, ऑइक एसिड, तो नेम हो गया मिथेनॉइक एसिड. क्लियर, तो हम लोग जो है नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं. तो मिथेनॉइक एसिड ये पढ़ लिए हम लोग, और इसका जो सोर्स है वो आंट है. नेचुरल सोर्स क्या होगा, इसको आंट से हम लोग डेराइव किए हुए हैं, तो नेचुरल सोर्स आंट हो गया. इसके बाद आता है दूसरा जो इसके नेक्स्ट हायर ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ठीक है. अगर इसका हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें तो एक ही कार्बन है ना, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर. तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन है, ठीक है. इधर ये OH हो गया, और इधर क्या हो गया, H हो गया. ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है. ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया फॉर्मिक एसिड का. उसी तरह से अगर हम एसिटिक एसिड लेंगे CH3COOH, तो इसका कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड, है ना. इसके सोर्स का नाम है एसीटम, इसके सोर्स का नाम है एसीटम, इसलिए उस नेचुरल सोर्स के ऊपर इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है. और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, क्योंकि इसमें दो कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो इथेन लिखेंगे और फिर ऑइक एसिड जोड़ देंगे. इथेन लिखने वक्त ध्यान देना है ई हटा देंगे, मीथेन लिखने वक्त क्या ध्यान देना है, ई हटा देना है और OIC लगा देना है. ये हो गया इथेनॉइक एसिड. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दो कार्बन है, तो ये हम लेंगे, दो कार्बन हो गया. इसी कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन है, डबली बॉन्डेड, और ये OH हो गया, ठीक है. तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसका, एसिटिक एसिड का. एसिटिक एसिड का ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, ठीक है. तो इसी तरीके से हम लोग सबका धीरे धीरे पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग लेते हैं जो नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो तीन कार्बन का है. ठीक है,
ये तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो प्रोपायोनिक एसिड होगा। क्या नाम होगा इसका? प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड होगा। ये हो गया हमारा कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम किस क्या होगा? जितना कार्बन है 1, 2, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और ई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ओ आई सी से, तो हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नेम। इसका जब हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे कितना कार्बन है 1, 2, 3, तो हो गया 1, 2, 3 कार्बन हो गया। तीसरे कार्बन पर जो है डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है और OH है। तीसरा कार्बन पर हो गया ये डबल बॉन्ड OH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2। तो इस तरीके से जो है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को और अच्छे से अगर लिखना है तो ऐसे करके देंगे, यहाँ पर दो तब डबल बॉन्ड और यहाँ दे दो OH, तो थोड़ा ठीक लगेगा देखने में। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपेनॉइक एसिड का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। और भी इसको थोड़ा डेकोरेटिव वे में देखने में लगे तो हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं और डेकोरेटिव हो जाएगा, और इसको हम नीचे कर देंगे और ज़्यादा डेकोरेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको और ज़्यादा डेकोरेटिव और भी अच्छा लगता है जब हम इसको OH इधर दे देते हैं, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ये देते हैं। जितने भी तरीके से लिखे सब तरीका सही है, जो तरीका तुमको अच्छा लगे उस तरीके को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉइक एसिड। इसके बाद आता है 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन है CH3, CH2, CH2COH। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा ब्यूटरिक एसिड। क्या नाम होगा? ब्यूटरिक एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटरिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्यूटरिक एसिड। आईयूपीएसी नेम होगा, 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूटेन, और उसके बाद OIC लगा देंगे, ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है, अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर लिखना हो तो क्या करेंगे? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1, 2, 3, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दी, ऐसे दे दी। ठीक है, हो गया ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड, आईयूपीएसी नेम हो गया। अब है कि इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। अब जैसे 4 कार्बन है तो ये जैसे है हमारा, इसको हम उठा के यहाँ लिख सकते हैं CH3, है ना, CH3। ठीक है, ये भी ब्यूटरिक एसिड है, 1, 2, 3, 4, ये भी ब्यूटरिक एसिड है। ठीक है, तो इसका नाम जो है हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। एक तो होगा ये क्या, अल्फा कार्बन हो गया, ये क्या है, फंक्शनल कार्बन है, ये कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप में है तो ये अल्फा हुआ। उसके बाद ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो अल्फा पर ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या है, 1, 2, 3 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फा पर जो है सब्स्टिट्यूशन है, अल्फा पर
सब्स्टिट्यूशन है, ये अल्फा है तो ये बीटा है, इसका नाम क्या लिखेंगे, अल्फा मिथाइल 1, 2, 3 क्या लिख सकते हैं, अल्फा मिथाइल प्रो पायोनिक एसिड है ना। दूसरा लिख सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, लास्ट कार्बन से दो CH3, इस कार्बन से दो CH3 जो है एंड पर जुड़ा हुआ है, तो ये आइसो कार्बन हो गया, तो इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं आइसो ब्यूटेरिक एसिड, आइसो ब्यूटेरिक एसिड इसका दूसरा नाम, ये दोनों कॉमन नेम है, ये दोनों ही इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए लिखेंगे इसको 2-methyl 1-2-3 प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम, और ये दोनों हो गया कॉमन नेम, ये दोनों कॉमन नेम है इसका, और ये हो गया हमारा IUPAC नेम, ठीक है। तो इसका अगर हमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखने का कहेगा, तो 3 कार्बन है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 पर यहाँ दे दिए, ठीक है, और इसके बाद यहाँ डबली बॉन्डेड दे दिए और इधर OH दे दिए, तो हो गया हमारा ये काम। कार्बन नंबर 1, 2 पर जो है मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है लिखते जाएंगे, क्लियर। फिर हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, अब इसका नाम क्या होगा, तो ये हुआ हमारा फंक्शनल कार्बन, तो ये हो गया अल्फा, ये दोनों हो गया, ये हो गया बीटा, तो अल्फा पर क्या है, ब्रोमो है, तो क्या लिखेंगे, अल्फा ब्रोमो 1, 2, 3 कार्बन का है, तो हो जाएगा प्रो पायो निक एसिड। और अगर IUPAC नेम का बात करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 और ये 3, तो 2 पर है, तो हो जाएगा IUPAC नेम होगा 2-bromo-propanoic एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड, सेकंड क्वेश्चन पर ब्रोमीन है, ठीक है। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो ये 3 कार्बन हो गया, सेकंड पर ब्रोमीन है, तो हम दिखा देंगे ब्रोमीन है सेकंड कार्बन पर, ठीक है, ये हो गया डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इधर हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी दिखा सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 कार्बन नंबर 1, 2, 3, तो 1 पर हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, तो ये हो गया बीटा हमारा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग 4 कार्बन में भी दे सकते हैं, जैसे 3 कार्बन में अल्फा जो है पर ब्रोमो है, बीटा पर भी दे सकते हैं, इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर उसका कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नेम जहाँ आएगा तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में क्लासिफाई करके कॉमन नेम हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी ये नॉर्मल जो है उसका पढ़ रहे हैं, अब है कि 5 कार्बन रहेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, अभी तक तो हम लोग 4 कार्बन का देखिए, तो अगर 5 कार्बन हो तो अब क्या होगा नाम, CH3 CH2 CH2, वन टू थ्री फोर फाइव, 5 कार्बन हो गया, तो 5 कार्बन अगर रहता है तो इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, तो याद रखना है इसका नाम हो, स्पेशल नेम है वैलेरिक एसिड, इसको क्या लिखेंगे हम लोग,
वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वैलेरिक एसिड। तो इसको हम लोग अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना पांच कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया वैलेरिक एसिड का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, ठीक है। अब जो है तो हम लोग जो है यहाँ पर वैलेरिक एसिड का पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया, इसका IUPAC नेम अगर देंगे तो क्या होगा, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन आई, इसमें ऑइक लग जाएगा तो हो जाएगा पेंटेनॉइक एसिड, ये नॉर्मल है, नॉर्मल पेंटेनॉइक एसिड या नॉर्मल वैलेरिक एसिड लिख सकते हो। अब है कि इसको हम लोग अलग रूप में भी लिख सकते हैं, इसका आइसोमर भी बना सकते हैं, CH3 को उठाकर हम यहां ले आएंगे, तो 1 2 3 2 कार्बन और लगेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये भी वैलेरिक एसिड है, लेकिन सिर्फ वैलेरिक एसिड लिखने से तो नहीं चलेगा यार, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, आइसो वैलेरिक एसिड, क्योंकि ये जो लास्ट कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, आइसो वैलेरिक एसिड, इसको क्या लिखेंगे, आइसो वैलेरिक एसिड। इसका दूसरा कॉमन नेम क्या हो सकता है, ये देखिए ये फंक्शनल कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, तो ये बीटा हो गया, है ना, अल्फा बीटा, और ये हो गया डेल्टा, तो दूसरा क्या नेम लिख सकते हैं, बीटा पर मिथाइल है तो इसको लिख सकते हैं बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ये हो गया हमारा बीटा मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। तो इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो है अभी तक जो नोमेनक्लेचर सीखे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब हम लोग सीखेंगे दूसरे तरह का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, तो उसको फिर नाम कैसे लिखा जाता है। कॉमन नेम का तो कोई मेथड नहीं होता है, वो तो आपको याद रखना होगा किसका क्या है, क्योंकि तो नेचुरल सोर्स के ऊपर नाम होता है, लेकिन IUPAC नेम तो हम रूल्स रेगुलेशन से देते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जिसमें एक से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है देख रहे हैं कि इसमें जो है जो भी एग्जाम्पल लिए हैं सब में दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है का ग्रुप है, जैसे इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही आपस में जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जैलिक एसिड, और इसका कॉमन नेम हो गया ऑक्जैलिक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, दो कार्बन है तो लिखेंगे हम लोग ईथेन, है ना, जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम चेन में इंक्लूड कर लेंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में दो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो चेन जो हम तैयार करेंगे, चेन को जो हम काउंट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उसमें दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप को उसमें इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप को उस कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर करने के लिए, ठीक है। तो दो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको चेन का हिस्सा मानेंगे और चेन में ही काउंट कर लेंगे, इसलिए इसमें दो कार्बन है तो दोनों जो है चेन का हिस्सा है, तो इथेन हो गया, और इसमें क्या है दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो लिखेंगे इथेन डाई ऑइक एसिड, इथेन डाई ऑइक एसिड। क्यों लिखेंगे इथेन डाई ऑइक एसिड, क्योंकि इथेन है, दो कार्बन है तो इथेन हो गया,
डाई इसलिए लिखेंगे कि दो कार्बोक्सिल ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप को हम लोग लिखते हैं ऑइक एसिड, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं इथेन डाई ऑइक एसिड। क्लियर। उसी तरह से अब हो गया हमारा ये मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड किसको बोलते हैं, तीन कार्बन है और उसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीन कार्बन में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलोनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो मैलोनिक एसिड है इसका जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1, 2, 3 तीनों दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी चेन में इंक्लूड हो गया तो ये हो गया प्रोपेनॉइक एसिड होगा। लेकिन किस तरह का प्रोपेनॉइक एसिड होगा, तो लिखेंगे प्रोपेन। अब क्या है 1, 2, 3 तो 1 और 3 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो प्रोपेन 1, 3 डाई ऑइक एसिड। ठीक है, अब हम लोग सक्सनिक एसिड का देखते हैं। इसमें दो दो, इसमें 1, 2, 3, 4 जो है कार्बन है ये ब्यूटेनॉइक एसिड होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉइक एसिड होगा, लेकिन दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ब्यूटेन डाइऑइक एसिड होगा। और हमको पोजीशन भी बताना है कि इस पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो क्या 1, 2, 3, 4 तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 1 for diethoic acid हो गया। उसी तरह से अब हम लोग ग्लूटारिक एसिड है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 1 and 5 पर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा यूपीएससी में, पेंटेन 1, 5 diethoic एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा पेंटेन 1, 5 diethoic एसिड हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना सीखा जिसमें कि दो दो होता है। अब एक और है एडीपी एसिड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, तो 6 कार्बन का चेन है तो ये होगा हेक्सेन 1, 6 diethoic एसिड है ना, हेक्सेन 1, 6 diethoic एसिड, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग आज सीखे जिसमें कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे।